स्थानीय व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर प्रभारी जिला जज विधि सेवा प्राधिकार अध्यक्ष पवन कुमार झा ने किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन के साथ साथ 14 बेंच का गठन किया गया। इसमें बैंक की रिकवरी के सबसे अधिक मामले आए। बैंक रिकवरी में करोड़ों से ऊपर हुई वसूली, क्रिमिनल कंपाउंडेंट केसेज, बिजली बिल, MST विवाह से संबंधित बकाया वसूली एंड आई एक्ट के सुलह के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर प्रभारी जिला जज ने हर बेंच का निरीक्षण किया और सख्त दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही फरियादी का मामला जल्द से जल्द सुलझा कर बात को खत्म करें। फरियादी को किसी प्रकार की कठिनाई राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रभारी जज ने स्वच्छ पानी, सुरक्षा डॉक्टर, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस सभी चीज की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। अदालत है और आप समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के विधि सेवा प्राधिकार के सचिव हैं और कितने बार निष्पादित हुए और कितने पैसा रिकवरी हुआ? देखिए अभी तो फाइनल टैली अवेलेबल नहीं है DLSA के पास, फिर भी जो अभी आया है उसमें लगता है कि करीब क्लेम में 6 केसेस का निपटारा हुआ है। 48 घंटे एग्जीक्यूशन में भी 2 केस अपील हुए हैं, मेंटेनेंस का 1 केस अपील हुआ है और 160 के ऊपर रेलवे का भी है। आज सर राष्ट्रीय लोक अदालत है और लोक अदालत में समस्तीपुर के जिला प्रभारी जज भी हैं और अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकार के भी हैं, तो कितना निष्पादन हुआ, कितने मामले निपटाए गए? देखिए निष्पादन का फाइनल आंकड़ा तो अभी रोसड़ा से भी आना है, दलसिंह सराय से भी और अपने यहाँ भी है, तो अभी और लगेंगे। काम ठीक है, इतना उम्मीद था उससे ज़्यादा ही है। सब डिवीजन का भी आंकड़ा आया नहीं है, रेलवे कोर्ट का निष्पादन ज़्यादा हो गया और थोड़ा समय अभाव के कारण और पता नहीं ठीक रहा। आप लोग के सहयोग से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए समस्तीपुर से प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट।